एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब दोस्तों। ये जो प्लेट है ना, ये जो आपको प्लेट है ना, ये एक ब्लैंक प्लेट है दोस्तों। जो हमारा मॉड्यूलर जो बॉक्स रहता है ना, मॉड्यूलर बॉक्स, उसकी जो ऊपर का जो प्लेट रहता है ना, ऊपर का प्लेट, वो ब्लैंक प्लेट है दोस्तों। आप देख सकते हैं, ये देख लीजिए। ये सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये जो है ना, ये रोमा कंपनी का है। ये जो रोमा कंपनी का प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगता है और उसका क्वालिटी भी अच्छा रहता है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा रोमा का ही प्रोडक्ट का रिव्यू करता रहता हूँ। ऐसा नहीं कि ग्रेट व्हाइट कंपनी का भी मैंने रिव्यू किया है, अदर कंपनी का भी मैंने रिव्यू किया है, पर मुझे ऐसा अच्छा लगता है रोमा कंपनी का रिव्यू करने का। तो सबसे पहले आप बताओ, जो ऊपर वाला जो प्लेट रहता है ना, ये देखिए दोस्तों, ये जो प्लेट रहता है, ये सबसे पहले क्या होता है, कंसीट जो हम लोग कंसीट जो बोर्ड हम लोग लगाते हैं ना, सबसे पहले क्या है, उसके अंदर जो कंसीट के अंदर सबसे पहले बॉक्स रहता है, वो जो स्टील का रहता है वो बॉक्स रहेगा। उसके बाद जो ऊपर का जो प्लेट रहेगा ना, अगर सोचो आप सिक्स मॉडलर बोर्ड का जो ये रहेगा, सिक्स मॉडल बॉक्स एक स्टील का बॉक्स रहेगा, तो वो सबसे अंदर दीवार के अंदर रहता है। उसके बाद वो जो प्लेट रहेगा ना, उसके बाद वो प्लेट आता है, उसके बाद ऊपर जो रहता है ना, ये प्लेट रहता है। उससे क्या होगा, इससे अगर आपको यहाँ पे अगर ये देखो, एक स्क्रू यहाँ पे लगे रहेगा, एक स्क्रू यहाँ पे लगता है, दो स्क्रू हो गया, उसके बाद एक स्क्रू यहाँ पे लगेगा और एक स्क्रू यहाँ पे लगेगा, चार स्क्रू रहता है, पर आपको स्क्रू दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये पूरा जो प्लेट है ना, वो स्क्रू को पूरी तरीके से पैक कर देगी दोस्तों। तो ये आपको देखने में ना, अगर आपके घर में कंसीट बोर्ड रहेगा तो देखने में आपको नॉर्मल प्लेट ही दिखेगा। ये देख लीजिए, ये जो नॉर्मल प्लेट, ये सिक्स मॉडुलर प्लेट है दोस्तों। तो सबसे इम्पोर्टेंट दिखा दोस्तों, ये देख लीजिए इसके अंदर ना, ये देख लीजिए, ये जो इसका फ्रंट साइड है, इस साइड से आप देख सकते हैं, ये जो है ना, ये इसका फ्रंट साइड है दोस्तों। तो अभी इसको एक बार एक साइड से दिखा देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट ये देख लीजिए, ये जो रहता है ना, ये इसका क्लिप रहता है, ये देख लीजिए, यहाँ पे इसका क्लिप रहेगा। और एक दिखा देता हूँ आपको मैं, और एक ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे एक क्लिप रहेगी, ये जो एक क्लिप है ना, वो इस तरह से, ये देख लीजिए, ये अगर ऊपर का प्लेट होगा तो इस तरह से हम लोग इसको प्रेस कर देता हो, इस तरह से इसको प्रेस करेगा ना, तो ये प्लेट फिट बजे। अगर आपको ये निकालना हो ना, हम लोग इसको कैसे निकाल देते, यहाँ पे देख सकते, यहाँ पे इसका लॉक रहता है, ये जो है ना, ये इसका लॉक है, इसको यहाँ से हम लोग टेस्टर डाल के इसको इस तरह से हम लोग निकाल देते दोस्तों। ये देख लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, ये प्लेट जो है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर जो स्क्रू रहेगा ना, वो आपको दिखाई नहीं देगा। सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटेक्शन रहता है प्लेट के लिए दोस्तों, ये अच्छे तरीके से फिट बैठेगा ना, तो आपका स्क्रू भी अच्छे तरीके से, क्योंकि स्क्रू जो रहेगा ना, उसका स्क्रू को पूरी तरीके से ये नहीं गा, उसको ये गंज जो है ना, वो नहीं इसको पकड़ेगा दोस्तों। ये देख लीजिए, यहाँ से आपको दिखा देगा, ये देखो, ये जो क्लिप है ना, ये क्लिप, इससे हम लोग स्क्रू नहीं, और काफ़ी बोर्ड, अगर उसको अच्छी तरीके से, अगर जो बोर्ड जो रहेगा ना, अगर वो अच्छी तरीके से बोर्ड को बिठाया होगा ना परफेक्टली, तो ये अच्छी तरीके से फिट बैठ जाएगा। अगर वो अच्छी तरीके से फिट बैठ जाएगा ना, तो आपको निकालने में भी प्रॉब्लम हो जाएगा, और देखने में आपको अच्छी तरीके से सेम इस तरह से दिखाई देगा दोस्तों। ये देख लीजिए, इस तरह से आपको ये दिखाई देगा, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये देख लीजिए इस साइड से भी, क्योंकि ब्लैंक प्लेट जो रहता है ना, कभी कभी मैं क्या करता हूँ, मैं जो है ना, वो 12 मॉडल 6 मॉडल का बोर्ड का रिव्यू करता रहता हूँ, बोर्ड का रिव्यू करता हूँ, बोर्ड के बारे में आपको बता देता हूँ, तो बोर्ड के बारे में बताता हूँ, स्विच के बारे में बताता हूँ, कभी ये जो ब्लैंक प्लेट है ना, इसके बारे में मैं कभी बताया ना, सोचा आपके साथ यार वीडियो शेयर करूँ। सबसे इम्पोर्टेंट ये भी, सबसे इलेक्ट्रिकल का ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर ही आपको यही दिखाई देगा बाद में, इसके ऊपर जो स्विच रहेगा, अगर यहाँ पे सॉकेट रहेगा तो सॉकेट दिखाई देगा, अगर यहाँ पे एमसीबी रहेगा तो एमसीबी दिखाएगा, स्विच रहेगा तो स्विच दिखाएगा, पर सबसे इम्पोर्टेंट आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है, क्योंकि इसके ऊपर ही आपको ये निकालना पड़ता है। इसको इस तरह से निकाल के आपको देख, यहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको ये क्लिप दिखाई देगा दोस्तों। तो ये नॉर्मल सा वीडियो था, वीडियो मुझे ऐसे नॉर्मल बना था, क्यों सोचा, क्योंकि ब्लैंक प्लेट के ऊपर का मैंने वीडियो नहीं बनाया था, इसकी वजह से ये वीडियो बनाया था दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। जय हिंद।